सबस्क्राइब करा जॉब इनटेक मराठी चॅनलला आणि बेल आयकॉनला पण क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वांना मिळत राहतील. देखो, आज ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग थे, ये सभी लोगों ने मान्य किया है कि हम वर्चुअल मीटिंग्स ले सकते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और हम बिल्कुल वर्चुअल मीटिंग्स लेंगे. हमारा काम 100% बंद रखेंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ को हम नहीं बुलाएंगे, सिर्फ जो एसेंशियल ज़रूरी जो काम होते उतने अगर छोड़े, तो नॉन एसेंशियल जो भी हमारे वर्कर्स है या हमारा प्रोडक्शन यूनिट है या हमारे जहां पर कॉर्पोरेट मीटिंग्स होते वो ऑफिसेस है, ये सभी बंद करने का निर्णय उन्होंने लिया है. 15 डेज वो 100% बंद रखेंगे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया. देखो, आज 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 कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में भी सभी विस्तार से चर्चा होने वाली है और इसमें मंत्रालय की भीड़ कम हो इसके लिए भी कुछ मेजर्स हो या अन्य जो डिपार्टमेंट्स है वहाँ पर भी भीड़ कम हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, या आज अगर 15 दिन कुछ काम हम गवर्नमेंट का भी रोक सकते हैं क्या, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा. और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारा कैबिनेट उस हद तक डिसीजन ज़रूर लेगा और हम पब्लिक हेल्थ के माध्यम से उनको इनपुट देने का काम, उनको जो भी माहिती देने का काम है हम ज़रूर करेंगे. फॉर जॉनसन एंड जॉनसन, सो आई थिंक एट द आउटसेट यू नो आई वांट टू अपलॉड द ऑनरेबल मिनिस्टर and want to really congratulate the government of Maharashtra for the fantastic efforts which they are putting in. In fact, we all corporates were extremely happy to see the proactive measures which have been put in place by the Maharashtra government, and we really appreciate, sir, your gesture of calling us today. It was a very fruitful meeting and I think the minister has already summarized what we plan to do. I think the most important task which we all are focused now is how do we decongest Mumbai so that less and less people come in contact with each other. So most of us have committed to trying to explore 100% work from home. In fact, we've already started doing that and this will be effective till 31st of March. And I think that's the most essential part. And then of course, apart from that, we discussed how do we create greater awareness in the society so that there's no panic. And also we discussed about how through our CSR we can strengthen the hands of the government and even the medical community which is in the front line of fighting this coronavirus. So, Marathi. You know, in fact, just mala summarize karas is Marathi mala tumhi madin. माझं नाव आहे सार्थक रानडे, मी मॅनेजिंग डायरेक्टर आहे जॉन्सन अँड जॉन्सनचा. तर मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर की दिस वॉज अ एक्स्ट्रीमली फ्रुटफुल मीटिंग आणि मला मिनिस्टर साहेबांचं परत धन्यवाद द्यायचं आहे की त्यांनी मला प्रायव्हेट सेक्टर्सला बोलवलं की आम्ही कसं गव्हर्नमेंटचे हात स्ट्रेंथन करू शकू. सो आम्ही बरंच डिस्कशन केलं याच्यावर आणि आम्ही सगळ्यांनी कमिट केलेलं आहे की वी विल ट्राय टू एक्सप्लोर वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट 100% वेअर एव्हर पॉसिबल, म्हणजे जिथे फॅक्टरीजमधनं मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ मेडिसिन झालं पाहिजे ते कंटिन्यू राहील, कारण ॲट द एंड ऑफ द डे वी हॅव टू एन्शुअर दॅट द मेडिसिन्स रीच द कॉमन पीपल, सो दॅट विल कंटिन्यू. आणि आम्ही सगळ्यांनी सरांशी हे सुद्धा बोललेलं आहे की आम्ही CSR मधनं गव्हर्नमेंटची काय मदत करू शकू. सो सांगितलं मला वाटतं की हे बघा, एकतर जे नियम पाळत नसतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मी पुन्हा पुन्हा सांगेल की महानगरपालिकेच्या लेवलला कॉर्पोरेशनचे कमिशनर्स असतील, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवलला असतील, त्यांना जर महाराष्ट्राच्या आपल्या जनहितासाठी जारी केलेल्या सूचना जर पाळल्या नाही तर निश्चित प्रकारे कारवाईला ही सगळे लोक पात्र होतील. कोणी जर का ब्लॅक मार्केटिंग करत असेल, कोणी जर का चुकीच्या पद्धतीनं मला वाटतं स्टॉक करून ठेवत असेल, मास्कचा असो सॅनिटायझरचा असो, त्याबद्दल कारवाई केली जाईल. कुठल्याही परिस्थितीत चुकीचे काही सॅनिटायझर्स खूप म्हणजे क्वालिटी नसलेले सॅनिटायझर बनवले जात आहेत, यूज्ड मास्क वापरले जात आहेत आणि विकले जात आहेत, असं जर कुठेही निदर्शनास आलं तर 100% त्यांच्यावर कुठेही त्यांना सोडलं जाणार नाही, त्यांच्यावर अत्यंत कडक कारवाई केली जाणार आहे. कारण एवढा क्रायसिस असताना जर कोणी त्या वेळेचा गैरफायदा कोणी जर लोक करत असतील तर त्यांना बिलकुल माफी केली जाणार नाही, त्यांच्यावर अत्यंत कडक कारवाई
आयपीसीच्या माध्यमातून, सीआरपीसीच्या माध्यमातून, फूड अँड ड्रग्सच्या माध्यमातून जे जे काही कायदे उपलब्ध आहेत सगळ्या कायद्याचा वापर करून 100% त्यांना आपल्याला कारवाई करावी लागेल आणि त्यात राज्य शासन कुठेही कमी पडणार नाही. प्रायव्हेट हॉस्पिटल सगळे जेवढे काही आहेत त्या सगळ्या असोसिएशन, त्याचं असोसिएशन आहे प्रायव्हेट असोसिएशन, तर त्यांचे प्रतिनिधी इथं उपस्थित आहेत ते सुद्धा बोलतील. मी डॉक्टर मुकेश गुप्ता आहे. मी हिंदी में, अच्छा हिंदी में बोलता हूँ. मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता हूँ, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स मुंबई का प्रेसिडेंट हूँ. हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स है, जो प्राइवेट गवर्नमेंट सब में है, वो हमारे मेंबर्स हैं. हम मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं कि आज बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई और हमारा कंटिन्यूसली काफी दिनों से, आज से नहीं, सर के साथ में बहुत रेगुलर टच में हम लोग हैं. और ये जो मुद्दा है कोविड-19 का, ये एक दिन में पूरा प्योर नहीं होने वाला है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और हर रोज नया डायरेक्टिव आ रहे हैं, उससे एक्शन ले रहे हैं. सबसे पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई पीछे नहीं हट रहा है इलाज करने से, खाली सुविधा जो आइसोलेशन की है, जो एज पर प्रोटोकॉल्स अवेलेबल होनी चाहिए, वो देखना बहुत जरूरी है. क्योंकि केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स इलाज का इश्यू नहीं है, ये इश्यू वो भी है कि यदि कोई एक पेशेंट वहां इलाज के लिए आता है तो बाकी के जो ज्यादातर पेशेंट्स हैं जिन्हें आपके फैमिली मेंबर्स को मदद की जरूरत है बाकी बीमारियों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें बीमारी लग जाए. इसलिए आइसोलेशन वार्ड्स और आइसोलेशन फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में ही इलाज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और ये डायरेक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमीशन ऑफिस से भी आया हुआ है. इस वजह से कहा जा रहा है कि जहां पर अच्छी सुविधा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि आप ऐसे हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली जाएं, और ऐसे कोई दूसरे हॉस्पिटल जहां ये सुविधा रेडी नहीं है वहां आप जाओगे तो दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, और ऐसे हम नहीं चाहते हैं कि आम नागरिक को नुकसान पहुंचे. और रही बात डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर फैसिलिटी की तरफ से हम सब हमारी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये आप मत भूलिए कि हमारे यहाँ जो नर्सेस और वार्ड बॉय और जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो सब भी आ रहे हैं, और वो सब एसेंशियल सर्विसेज के लिए आ रहे हैं. इसलिए जब अगर आप जमाखोरी करते हैं मास्क की या सैनिटाइजर्स की, तो हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट सर्विसेज में वो चीज नहीं ठीक से पहुंच पाती है और तो तकलीफ होती है. सो जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, अगर ये चीज आप लोग एक आम जनता की तरफ पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि ये चीज से आप थोड़ा सा प्रिवेंट कीजिए कि आपको अगर जरूरत नहीं है तो जमाखोरी ना करें, तो सब लोगों को बहुत आसानी से ये चीज पहुंचेगी. अनूप जी बार बार कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, सर ने आज का जो मंत्र बताया सोशल डिस्टेंसिंग, ये अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे तो ये बीमारी बहुत फास्ट फैलेगी, और यदि हम ये मेंटेन करते हैं तो ये धीरे धीरे फैलेगी, और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का इलाज करने में सक्षम है कि इसकी इलाज नहीं होगा लेकिन कम से कम केयर तो हो जाएगा, जब तक इलाज, जब तक इसका क्योर परफेक्ट नहीं आ जाता है. और इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये चीज से घबरा के फियर मॉन्गरिंग ना करें, फेक न्यूज ना पहुंचे, और जो सही इंफॉर्मेशन जो आईसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, हम सब डॉक्टर्स आप तक पहुंचाएंगे और आप लोगों का सपोर्ट इसके लिए मिलेगा. धन्यवाद.